चाहिए इस मदरबोर्ड में समझने के लिए। सबसे पहली बात क्या है, ये जो आपका लगा हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी कनेक्टर, वो एलसीडी जैक इसलिए बोले क्योंकि उसके बाद में फिल्टर लगे हैं, दिख रहे हैं कपलर रजिस्टर, ये फिल्टर कपलर रजिस्टर फिल्टर को देखते हैं हम लोग, इसको एलसीडी जैक बोल देते हैं। जी, ये इसकी रिंगर आईसी लगी है, कॉइल लगी ना रिंगर आईसी है, ये चौकोर बल्ब लगा है, ये 2G 3G PFO, ये 4G PFO, ये WTR, इसके अंदर वाईफाई सेक्शन, ये बूस्ट कॉइल, डायोड लाइट, बिल्कुल बूस्ट कॉइल, डायोड लाइट, लाइट होगा तो डायोड, ये कॉइल लगा है, ये एक आईसी लगी है, डायोड लगा हुआ था, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक आईसी। क्या बोलते हैं? ग्राफिक आईसी। आपको तो सजी तुमने इसको ग्राफिक आईसी क्यों बोला? हमने ग्राफिक आईसी इसलिए बोला क्योंकि ग्लास टाइप की होती है, दूसरी बात जिस तरीके से लाइट का सेक्शन होता है उसी तरीके से इसका भी सेक्शन होता है, थोड़ा चमकीली होती है, लेकिन ये चमकीली होती है, लेकिन ये 6 लेग की होती है, 6 लेग के साथ में ये लगी है ना, तो ये ग्राफिक आईसी कहलाएगी। उसके बाद ये तो पूरे बोर्ड का हमने इतिहास देख लिया, अब हम लोग चलो चलते हैं पीछे की तरफ। इस पीछे की तरफ ये आईसी लगी है तुम्हारी, कौन सी है? ये क्या लगा है? ये क्या लगा है? ये तुम्हारा UI का जैक, UI जैक ना, UI जैक के बाद बाकी बोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं। आप देखिए सर ये ट्रांजिस्टर किसके? अरे ट्रांजिस्टर किसी भी सप्लाई है ना भाई, देखो जो रास्ता सही लगा है ये तो चेक करने पर का ट्रैक, ये चेक करने पर पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, कोई डर हेलो भाई, इस चीज को पहले मैं एक बार इसी मदरबोर्ड में बताता हूँ, उसके बाद भी मैं आपको दोबारा बता दीजिए। पहले हमारा पावर आईसी है जो इसके पास में क्रिस्टल लगी है, ऑसिलेटर क्रिस्टल है, उसके बाद ये क्वालिकॉम लगा है, तो ये क्या है? सीपीयू, और सीपीयू के पास में ये लगा है ये यूआई जैक, डायोड, यूआई जैक के बाद स्पीकर, ये हैंड फ्री प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो कानों पर लगाने पर लाइट बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, होटल वन भी कट जाता है, खराब हो जाता है तो लाइट बंद हो जाती है, प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा, सेंसर के दूसरा सेंसर बता दे कुछ नहीं भाई, यही प्रॉब्लम होगी, फोन भी कटेगा तो हमारा सेंस काम नहीं करेगा। देखो सर ये कॉइल लगी है, ये 6 पिन की आईसी लगी है, ये कौन सी आईसी है? लाइट आईसी, ये कॉइल, ये डायोड, 6 पिन की लाइट आईसी, और ये क्वाइल लगा है, ये डायोड है, ये आईसी, ये ग्राफिक आईसी है। उसके बाद अगर देखेंगे क्वाइल ये लगा है, एक आईसी लगा है, ये तुम्हारा फ्लैश लाइट का आईसी है, काहे का है? फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट को जलने के लिए 9 वोल्ट करंट चाहिए होता है, इसको भी VPH मिलेगा 3.7 तभी जलेगा। ये लाइट सेक्शन हो गया, ये ग्राफिक सेक्शन हो गया, ये आपका LCD का जैक होगा, ये LCD जितने छोटे छोटे लगे इनको बोलते हैं LCD फिल्टर, और ये तुम्हारा कॉइल लगा है, ये एक आईसी लगा है, तो ये तुम्हारा चार्जिंग आईसी है। क्या लगा है? चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर VPH वोल्टेज जनरेट होगा, जनरेट होगा। उसके बाद ये 2 कॉइल लगी है, 2 कॉइल के बाद ये आईसी लगी है, इसको बोलेंगे रिंगर आईसी। क्या बोलेंगे? ये एंटीना का वायर टूट गया है, एंटीना आया, एंटीना के बाद ये 4G 2G PFO, ये लंबा वाला, लंबा वाला, लंबा 4G चौकोर, ये WTR, बस पूरी कहानी हो गई। यहाँ भी छोटी सी आईसी है, ये वाईफाई आईसी है, ये सजी, ये सजी सिर्फ प्रोटेक्टर होते हैं, कोई काम नहीं करते, व्हाइट कलर के होते हैं, उनका कोई काम नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है, ये एंटीना है, ये एंटीना है, यहाँ से उधर सिग्नल ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर पर ये जो लगा है वाईफाई सेक्शन है, जैसे मोबाइल फोन में नेटवर्क सर्किट होता है उसी तरीके से मोबाइल फोन में वाईफाई सर्किट होता है, क्योंकि ये भी सिग्नल का काम करता है और ये भी सिग्नल काम करता है, लेकिन ये बड़ा सिग्नल है, बड़ा छोटा सिग्नल है, छोटा कभी समझ में आया कितना आएगा? 5 वोल्ट, जब 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो 5 वोल्ट करंट यहाँ पर डायोड पे होगा, चार्जिंग आईसी हो जाएगा। चार्जिंग आईसी इसका कहाँ लगा हुआ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बैक साइड में, बैक साइड में ये लगा है, इसमें से ये कैपेसिटर लगा है, इस पर 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट जब इसके अंदर घुस जाएगा तो इसके पास से 2 वोल्ट निकलेंगे, एक तो पहला वोल्टेज निकलेगा 4.2 जिससे बैटरी के लिए चला जाएगा, जिससे बैटरी चार्ज होगा, दूसरा वोल्टेज निकलेगा VPH वोल्टेज, ये VPH वोल्टेज 3.7 निकलेगा। आप देखिए
ये जो बीपीएच वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है आईसीएल पे जाएगा सीधा, ये निकलेगा बीपीएच पावर वाला लाइट पे जाएगा, ये सब बराबर जा रहा है, सभी की इससे पहले जाए स्विच सब बराबर टाइम भी जा सकता है, एक एक समझ लेंगे यहाँ से वोल्टेज लाइट पे गया पे गया, उसके बाद ये वोल्टेज तुम्हारा गया इस 4GPFO पे, फिर यही वोल्टेज गया 2GPFO पे, रिंगर आईसी पे नहीं 2GPFO पे 4GPFO पे, और यही वोल्टेज जाएगा तुम्हारा रिंगर आईसी 2GPFO पे अलग जाएगा, इसको भी 3.7 चाहिए, हाँ दोनों को अलग अलग जाएंगे ठीक चले गए, उसके बाद यही वोल्टेज तुम्हारे जाएंगे, अब बीपीएच का काम खत्म, फिर ये पावर आईसी अपने पास से एक वोल्टेज निकालेगी, दूसरा निकालेगी, तीसरा चौथा पांचवा कई सारे वोल्टेज निकालेगी, तो एक वोल्टेज तो चला जाएगा तुम्हारे दो कैपेसिटर लगे ये 1.8 वोल्ट ठीक, उसके बाद दूसरा वोल्टेज निकला इसमें दो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर इसमें दो लाइन जाती है, हाँ ये देखो ये दोनों एक है, इधर का ग्राउंड होगा इसका, ये दोनों एक है, इसमें दो जाते हैं, किधर ज्यादा है किधर ज्यादा, कल इस लाइन में हमने आईसी लगाया था, इसमें शॉर्टिंग बता रहा था ना, तो हमने दोबारा उतारना पड़ा था, शॉर्टिंग हट गई थी, तो दो वोल्टेज ज्यादा है, ये ज्यादा दूसरा ये वोल्टेज ज्यादा, तो ये हमारा आईसी क्या हो गया, एक ये भी देखो लगा हुआ है, ये सर वोल्टेज कहाँ से आता है, अरे 3.7 नहीं जाएगा, यही बीपीएच वोल्टेज निकलेंगे, इस पर भी गया इस पर भी गया, इन सबको चालू कर दिया है, अब उसके बाद जब तुम्हारा ये पावर आईसी वोल्टेज निकालेगी तो पहले तो सीपीयू को दे देगी, दूसरा वोल्टेज एमएमसी को दे देगी, तीसरा वोल्टेज सिम को देगी, माइक को देगी, स्पीकर को देगी, इसको देगी, सेंसर को देगी, एंट्री को देगी, इन सब इन सबको वोल्टेज कौन देगा तुम्हारा, ये पावर आईसी, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी भी देगा, नहीं चार्ज देगा, ये 5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट निकलने के बाद इस पे गया, इस पे जाने के बाद फिर इस पे जाएगा, ये दो वोल्टेज निकालेंगे, तो पहली बात यहाँ पर आ गया तो इसके अंदर वोल्टेज घुस गया, जब 5 वोल्ट इसमें घुस गया तो ये दो वोल्टेज निकालेगी, पहले तो निकालेगा वी बैट जिससे बैटरी जाएगी, दूसरा 3.7 निकालेगा वीपीएच जिससे बाकी सब चीजें चालू होंगी, अब हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को मान ठीक है, अब जैसे सर किसी में क्यूब चार्जर आता है, कौन सा आता है क्यूब चार्जर, फास्ट चार्जर, कुछ नहीं भाई एम्पियर बताया, फास्ट का मतलब क्या होता है, धीरे खाते हो तेज खाते हो तो अलग अलग मुंह से खाते हो, जल्दी जल्दी चलाओ जल्दी तो जाएगा, जिस तरह वैल्यू आ रही ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, अब देखो इस पे 5 वोल्ट करंट आएगा है ना, 5 वोल्ट करंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ के वजह इस पे जाएगा, इस पे कैपेसिटर में देखेंगे एक पे बीप आएगा वैल्यू आएगा, इस पे वैल्यू आएगा वो वाला पॉइंट इसके प्लस से कनेक्ट होगा, जो कनेक्ट है ना 4 वोल्ट करंट बैटरी में चला गया, वैल्यू दे रहा है ये इसमें वो चार्जिंग देंगे तो वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज आएंगे इस तरफ 20 वोल्ट, इसमें चेक करेंगे तो ये माइनस है अब देखना, यही जो वोल्टेज है यही वोल्टेज तुम्हारे कहीं ना कहीं रिंगर आईसी को देखना भी देंगे, ये वीपीएच वोल्टेज है ना यहाँ पर जाने सर, बीप जब ही देगा जब वही वोल्टेज, अरे बीप तब ये आ गया तब रिंगर आईसी काम करेगी, वोल्टेज नहीं आया तो ये लाइन डैमेज है, बिल्कुल यहाँ से लेकर के तुम उठा कर यहाँ पर जम्पर मार दो, आप कहते सर जी तुमने यहाँ पे जम्पर क्यों मारा, हमने जम्पर इसलिए मारा है क्योंकि हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बैठा हुआ है कि रिंगर आईसी को काम करने के लिए 3.7 वोल्टेज चाहिए, और वो 3.7 वोल्टेज जीपीएस से आते हैं, तो मिल नहीं रहा तो हम यहाँ से उठा के यहाँ पर जम्पर मार देंगे लाइन चालू हो जाएगा, तो ये क्यों मारा, तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वोल्टेज यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है तो लाइन खराब है, मिल रहा है लाइन सही है, जम्पर मारा जाता है तो पॉइंट से मारा जाता है कि कैपेसिटर से, सर जी तुम कैपेसिटर से कैपेसिटर मार सकते हो पॉइंट भी मार सकते हो, देखो
तो माइल पे गया, फिर यहाँ से निकला, ये एक ही तो पॉइंट है ना, तो तुम यहाँ से मार दो, यहाँ से मार दो, इधर से मार दो, इधर से मार दो, जहाँ से मार दो। अब जैसे मान लिया लाइन है, तो फ्यूज भी डाल लगे, यहाँ से लाइन निकला, कॉइल पे गया, कॉइल के बाद फ्यूज लगा है, ये खराब हो जाएगा तो ये दिख रहा है। अब ये फ्यूज क्यों लगा दिया है, तुम फ्यूज किसी भी फ्यूज पे जोड़ लोगे तभी उसको बीपीएच वोल्टेज मिल जाएगा। अब यहाँ फ्यूज इसलिए डाल दिया गया ताकि कॉइल के बाद इसने दो लाइनें बना दी, एक लाइन इधर बना दी, एक लाइन इधर बना दी, दोनों लाइनों में फ्यूज डाल दिया है। अगर कल कोई फ्यूज भी खराब हो जाएगा ना, तब ये फ्यूज जिस लाइन का लगा होगा वही लाइन ब्रेक होगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल की बात है, इस फ्यूज से करंट चला, यहाँ से करंट आया, जिससे कनेक्ट है वही दिक्कत। हाँ, फ्यूज से देखना करंट इस पे आएगा, कॉइल पे आएगा, किस पे आएगा, कॉइल पे आएगा। ये लाइट ऐसी लगी ना, लाइट ऐसी करंट आएगा, ये दोबारा है। ये यदि फ्यूज का रजिस्टर खराब हो जाएगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो जम्पर लगाना। हाँ, ये लाइट ऐसी वोल्टेज आएंगे, फिर यही वोल्टेज तुम्हारे इस पर भी आ जाएंगे, इस पर चेक करना पड़ेगा। ये 3.7 यहाँ भी आ गया, ये ग्राफिक आईसी पे भी आया, ये लाइट आईसी पे आया, ये रिंगर आईसी पे, वही रिंगर आईसी पे। अब वो जिससे कनेक्ट है वो सब, बिल्कुल 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 सही है। अब यही वोल्टेज देखो तुम्हारे पीएफओ पे भी जाएंगे, देखो ये पीएफओ बार में कैपेसिटर लगा है, पर बीप के साथ वैल्यू मिलेंगी तो कैपेसिटर में, ये देखो एक हिस्सा प्लस है, एक माइनस होगा, दूसरा हिस्सा माइनस है, तो ये जो प्लस वाला हिस्सा है देखना, यही पीएफओ ये जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, इतना कुछ वैल्यू आएंगी, 3-4 0-0 नहीं आना चाहिए बीप के साथ। आप तुम ठीक है, तुम राजा बेटा, ये ग्राउंड ये सप्लाई राजा इंटरकनेक्ट है ठीक। उसके बाद अब ये करंट यहाँ से लेके भैया देखो तुम्हारा इसको पावर आईसी को भी जाएगा है ना। अब पावर आईसी पे देखना किसका पिस्टर जाएगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे, इसको मिल पाएगा जी आ गया। जब तक इस पर करंट नहीं आएगा तो चालू कैसे होगा। वो यहाँ से निकले, फ्यूज पे निकले, फ्यूज के बाद पावर आईसी पे जाए, तो कल को अगर फ्यूज खराब हो जाएगा तो तुम्हारे पावर आईसी को वोल्टेज नहीं जाएंगे, तो पावर आईसी को वोल्टेज नहीं आएगा, फोन को जब चालू करोगे तो चार्जिंग पे कहो चालू हो जाए, लेकिन ऑन करने पे नहीं चालू, लगाया फोन चालू हो गया, लेकिन चार्जिंग हटा दिया फिर ऑन ऑफ से चालू किया तो नहीं चालू हुआ। क्यों? क्योंकि चार्जिंग आईसी का जो बीपीएच लाइन जो 3.7 वोल्टेज है वो पावर आईसी को नहीं मिल रहा है, तो जब पावर आईसी को मिल नहीं रहा है तो चालू दबाते रहिए, तो बटन दबाने से नहीं चालू हो, लेकिन चार्जिंग से चालू हो जाता है, क्योंकि चार्जिंग से इंटरनली वोल्टेज उसको मिल जाता है। पावर आईसी को पूरे वोल्टेज और मेरा ड्रामा है सर, कैसे कैपेसिटर आ गया, स्पीकर का पॉइंट है, स्पीकर का पॉइंट को चेक करने के लिए रेड बिंदु ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे, तो यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर चेक करेंगे वैल्यू आ रही है, और दूसरी तरफ चेक करेंगे तो वैल्यू दोनों पे वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू आ रही है। लेकिन सर कहीं कहीं का क्या होता है यदि ग्राउंड से हम, तो सर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका ट्रैक चलते हुए यहाँ पर आ रहा है, डायोड लगा है, तो अगर तुमको नहीं दिख रहा है ट्रैक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप यहाँ पर एक पिन को रख लोगे और सब जगह पर ऐसे चेक करोगे, जहाँ आएगा बीप आ जाएगा, यहाँ पर चेक करोगे आप यहाँ पर आपके पतली होनी चाहिए, काफ़ी पतली है, पर आप वो कैमरा वाले पर रख दिए यहाँ पर आ गए, अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे चेक करेंगे, अगर कुछ नहीं बता रहा तो आगे को हमने ग्राउंड पर रखा तो बीप दे रहा था, मतलब ये पैलर पोजिशन लगाएंगे सप्लर, तो दूसरा हिस्सा तो करंट यहाँ पर आएगा ऐसे होते हुए आगे चला जाएगा, लेकिन इसके कभी आगे नहीं जाएगा ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद करंट आगे देखा उसको, तो इसके लाइन में ये लगा है, ये लगा है, ये डायोड पैरेलल में, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, उसी तरीके से दूसरा लाइन आ गया, दूसरे लाइन में ये डायोड लगाए, आगे चेक किया कुछ नहीं आ रहा, ग्राउंड चेक किया तो भी बार मतलब पैरेलल में, फिर यहाँ से लाइन आगे गई, फिर आगे गई, फिर कैपेसिटर पे गई, फिर आगे पैरेलल में, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये सीरीज,
अगर कल को तुम्हारा ये दोनों में से कोई खराब हो जाएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आएगा तो इस पर क्या करना पड़ेगा, तो जंपर मारना पड़ेगा। सर जैसे माइनस पिन का जो स्पीकर का माइनस है उसका जंपर कहाँ लगाएंगे, माइनस पर रख कर माइनस पे रख कर नहीं लगाओगे, उसी के ट्रैक पे लगाओगे, ट्रैक में ही तो माइनस पे माइनस करेंगे में आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर लगा दी ना, इस कैपेसिटर में 1.8 वोल्टेज आएंगे तब तुम्हारा कैमरा चालू होगा। अब इस कैपेसिटर में एक तरफ बीप आएगी, दूसरी तरफ चेक करने पर वैल्यू तो ये वो ग्राउंड से जुड़ा है, सही है। अगर फिर चार्ज लगा चेक करो तो यहाँ पर वोल्टेज भी आना चाहिए 1.8, तो 1.8 वोल्टेज नहीं आएंगे तो तुम्हारा कैमरा चालू नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पर नहीं आते और तो हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरी जगह पर उठा करके यहाँ पर जंपर मार देते तो 1.8 आ जाए, 1.8 आ जाते हैं तो कैमरा चालू हो जाता है। सर इसको हटा दें लेकिन इसको हटाएंगे तब भैया जब इसमें दोनों तरफ से बीप आएगी तभी तो हटाएंगे ना, जब शॉर्टिंग होगी तभी तो हटाएंगे ना, अपने वोल्टेज आएंगे इसमें से, ये देखो कैपेसिटर लगे इनके माध्यम से इसमें वोल्टेज आएंगे, इसमें से आईसी लगी ना, इस आईसी में कैपेसिटर ये लगा है, दूसरे कैपेसिटर ये लगे हैं, इससे वोल्टेज आएंगे, दूसरे वोल्टेज आएंगे, तीसरा सीपीयू को इससे वोल्टेज आएगा और तुम्हारा कोई भी सर्किट है उस सर्किट के हम लोग वोल्टेज इसके आईसी पे इससे वोल्टेज आएंगे, ये जो लाइट आईसी इस पे वोल्टेज कैपेसिटर से आएंगे, उसके बाद इसमें से आप इस कैपेसिटर से वोल्टेज आएंगे। चौकीदार खड़े हैं तो हाँ ये हर जगह कैपेसिटर लगा होगा, ये लगा था कोई भी इनपुट की लाइन है, इनपुट की लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ, डब्ल्यू टी आर लगा, डब्ल्यू टी आर में देखो दो वोल्टेज यहाँ से जाएंगे, दूसरे वोल्टेज बड़ा कैपेसिटर दिखेगा, ये दोनों कैपेसिटर काय के हैं, इसके इनपुट वोल्टेज हैं। अब इन्होंने जैसे हैंड फ्री का जिक्र किया, हैंड फ्री में एक ये है, 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 एक नॉट कनेक्टेड हुआ अब हैंड फ्री की लाइन अगर ब्रेक हो जाएगा तो हैंड फ्री लाइन काम नहीं करेगा, हैंड फ्री लाइन काम नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे उसको चेक करेंगे, इसमें देखेंगे ये सप्लाई यहाँ से आ रही है चलते हुए इस कॉइल पे, ये दूसरी जी ड्राइवर पे जा रही है, जो दूसरी आई तो ये तीसरी जी कहीं ना कहीं जा रही होगी, नया फोन आ गया तो ट्रैक्टर दिखेगा कहाँ जा रही है वो चेक कर लो, ये आ रही है कॉइल पर, ठीक है ये सिर्फ सिंबल बन जाता है उसको रिमूव करना, हेडसेट मोड तो डिटेक्शन खराब हो जाता है, वो मैं जब सर्किट समझाऊंगा तो समझ जाएगा। भैया हमने सबके सर जो माइक का होता है माइक का भी जो वो आता है माइनस तो वो भी एमएमसी सीपीयू या कुछ आता है, एमएमसी वाले सर्किट तो है नहीं, सिमेटिक तो है नहीं, तो हम ये कैसे क्लियर करेंगे कि इसमें तो चार्जिंग का लाइन यही वाला है ये वाला नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको यूआई में जा कर के देखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 वोल्ट करेंट आएंगे, चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे क्या मेन पत्ता लगा 5 वोल्ट करेंट आएंगे, जब इस पर 5 वोल्ट करेंट आ जाएंगे तो हमारा यूआई सही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में यूआई का पत्ता वत्ता खराब हो जाता है तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे नीचे चार्जिंग के प्लस पॉइंट से जंपर उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देंगे और यूआई पत्ता वत्ता लगा कर पैक कर देंगे, आपको फोन चार्जिंग पकड़ लेगा, बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा, क्यों शुरू हो जाएगा क्योंकि चार्जिंग जैक खराब हो जाता है, यूआई खराब हो जाता है, उसका जो यहाँ तक पत्ता आता है वो खराब हो जाता है, अगर उनमें से कोई भी एक प्लस का लाइन डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट करेंट नहीं आएंगे, तुमको कुल मिलाकर 5 वोल्ट वहाँ से करेंट कहीं ना कहीं से लाना है। पत्ता बदल दो 150 का पत्ता आएगा, 10 पैसे की जंपर हो जाएगा, तुमको तो अपना बना के लेना, 100 रुपए का पत्ता लगा के 200 रुपए लेने में बुद्धि मानी है कि जंपर लगा के 150 रुपए लगा, ये अच्छा है जंपर वाला 100 लेगो सबसे मोटा मान ये दिख रहा है, देखो ये ट्रैक दिख रहा है, डाउट भी लगा है ये मोटर, इस पर 5 वोल्ट करंट आया मोटा, हमेशा वी बस की सप्लाई जो होती है 5 वोल्ट की होती है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमेशा मोटी होती है, मजबूती रखना पड़ेगा, ऐसा कनेक्टर लगा होता है उसमें दो तरफ का लॉक होता है, एक इधर लॉक होता है दूसरा इधर लॉक होता है, तो जो मोटा वाला जो लॉक होते हैं उसमें से एक हो जाता है VCH, एक हो जाता है ग्राउंड, VCH और ग्राउंड, जैसे वीवो फोन आते हैं जो ये कनेक्टर जो आता है ये प्लास्टिक ना होकर के यहाँ पर गोल्डन गोल्डन हो जाता है, जिसमें गोल्डन हो जाता है उसमें ये वाला हो जाता है माइनस, ये वाला हो जाता है प्लस, प्लस इस पर वैल्यू ज़्यादा तो एक ये गोल आ रहा है दूसरा ये गोल आ रहा है,
तो ये तो चार्जिंग, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है। तो इसमें से ये देखेंगे जो छोटा है कि मोटा है, तो जो मोटा वाला होगा वो 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है 90% कनेक्टर में वोल्टेज लगा के जो चार्ज करेगा।